अस्सलाम वालेकुम। विद द कॉन्टीन्यूटी ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, अब हम लोग देखेंगे कि लॉजिकल इक्विलियंस क्या होती है और लॉजिकल इक्विलियंट जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं। तो दो कोई सी भी दो प्रोपोजिशन, उनको हम लॉजिकली इक्विलियंट कह सकते हैं अगर उनकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो आइडेंटिकल है। यानी कि अगर एक प्रोपोजिशन आपके पास पी है और एक प्रोपोजिशन क्यू है, और अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो हम उनको कहेंगे कि ये लॉजिकली क्या है, इक्विलियंट है। लाइक जैसे अगर मैं कहती हूँ कि अली इज़ अ बॉय, तो ये ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि अली के नेम से जाहिर हो रहा है कि ये एक बॉय है। लेट्स सपोज अली इज़ अ बॉय इज़ बी, और फिर उसके बाद अली गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो वो स्कूल जाता है, ठीक। तो ये भी हमारे पास एक प्रोपोजिशन होगी क्यू, तो क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं, वो अली लड़का भी है और अली स्कूल भी जाता है, तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब है वो लॉजिकली क्या है, इक्विलियंट है। तो इक्विलियंसी का साइन ये तीन इक्वल साइन होते हैं, तो पी जो है वो लॉजिकली इक्विलियंट है क्यू के, ठीक। अब आपने ये चेक करना है कि आपके जो दो कंपाउंड प्रोपोजिशन है ना, ये तो सिंपल प्रोपोजिशन थी ना, पी एंड क्यू, लेकिन अगर कम्बिनेशन आ जाए, लाइक जैसे इस तरफ भी कोई आपके पास एक पूरे का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाए और इस तरफ भी आ जाए, फिर आपने देखना होगा वो लॉजिकली इक्विलियंट है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला रूल उसका ये है कि आप उसका ट्रुथ टेबल बनाएं पी और क्यू का, फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू उसको चेक करें। अगर दोनों के रिजल्टेंट कॉलम की ट्रुथ वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है वो लॉजिकली क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये भी सारा वही लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे इधर लेके चलती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ना क्वेश्चन इस तरह से आता है, आपको पूछा जाता है कि ये लॉजिकली इक्विलियंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं पी दूंगी, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से स्टेटमेंट होगी। तो अब पी जो है, अब अगर एक स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आ जाता है सिंपली कि लेट्स सपोज आपको पी के लिए कोई प्रोपोजिशन दी ही नहीं जाती, आपको सिंपली कहा जाता है कि पी है और आप इसे प्रूव करें, तो स्टूडेंट्स ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब आप लॉजिक पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रोपोजिशन की वैल्यू नहीं दी हुई, तो आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, इसकी खुद से वैल्यूज लेनी है। लाइक जैसे आपको कहा जाता है ना कि अगर आपके पास सिंपल एक बिट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वन और जीरो वैल्यू होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे दो आ जाए, दो ए बी आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, जीरो वन, ठीक है, उसको अगर उससे आपको कहा जाता है सिंगल बिट नहीं है डबल बिट है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे उसी तरह कम्बिनेशन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लाइक फिर क्या होगा, ट्रू फॉल्स, और फिर ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है उसको फिर हम लोगों ने देखना होता है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर सिंपल आपको पी दिया हुआ है, तो पी क्योंकि एक बिट वैल्यू होगी, तो ये पॉसिबल वैल्यूज जो कंटेन कर सकता है वो ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। तो हमने ट्रू फॉल्स लिखा, फिर उसके बाद हमने निगेशन अप्लाई किया पी पे, वो फॉल्स ट्रू हो गया, ठीक है। तो मेरा कम्बिनेशन क्या बन रहा था, मैंने ये देखना था कि ये वाली चीज़ अगर मैं सॉल्व करती हूँ, तो इसका आंसर क्या पी के इक्वल आ रहा है। अगर तो इन दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंटली इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, ट्रू को किया फॉल्स, ठीक है, और फॉल्स को किया ट्रू निगेशन अप्लाई करने के बाद। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आया, इसके ऊपर अगेन हमने निगेशन अप्लाई कर दी, तो उसने क्या किया, रिजल्ट को दोबारा रिवर्स कर दिया। अब देखो ये कॉम्बिनेशन पूरा बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारे पास, तो उसकी ट्रुथ वैल्यूज क्या आ रही है, टी एंड एफ, ठीक है, और पी की ट्रुथ वैल्यूज क्या है, टी एंड एफ। अब ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये लॉजिकली इक्विलियंट है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं ये कंपाउंड स्टेटमेंट की। इसके अंदर आपको ये कहा गया कि आपने प्रोपोजिशन की जो फॉर्म है ना, ये इसको बताना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है कि नहीं है, या नॉट लॉजिकली इक्विलियंट है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं नॉट लॉजिकली इक्विलियंट को प्रूव करें, ठीक है। तो हम लोग सिंपली वैसे ही लेंगे, देखो पी है, पी की बिट वैल्यू ली, ठीक है, क्यू क्यू की बिट वैल्यू ली। अब क्योंकि दो कम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को पता है टू बिट्स हैं, तो फिर उस हिसाब से हमने इसकी वैल्यू सेट की। दोनों पे पहले निगेशन अप्लाई किया, निगेशन अप्लाई करके फिर हम लोगों ने क्या किया, पहले सिंपल पी और क्यू का एंड लिया, फिर निगेशन वाले पी क्यू का जो जो हमारे पास कैलकुलेट हुआ था उसके ऊपर निगेशन अप्लाई की, फिर हमने जो निगेशन वाला पी क्यू, ये वाले जो दो कॉलम्स थे, इसके ऊपर एंड अप्लाई किया। अब हमने देखना ये था कि इस पूरे का और इसका क्या इनकी ट्रुथ वैल्यू सेम है, यानी कि रिजल्टेंट वैल्यू सेम है। तो जब हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज फाइनल है वो एफ टी 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 है, लेकिन जब हम यहाँ पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे आके ये जो है वो चेंज हो जाती हैं। देखो फॉल्स फॉल्स सेम है, टी टी ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बीच में दो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इसलिए ये लॉजिकली इक्विलियंट नहीं है। अगर यहाँ पे ये होता कि यहाँ पे भी टी टी आ जाता या यहाँ पे भी एफ एफ आ जाता, फिर ये लॉजिकली इक्विलियंट होना था, क्योंकि दोनों कॉलम सेम होने थे।
तो ये इस तरह से हम लॉजिकल इक्विवेलेंस चेक करते हैं कि अगर आपको कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दे दी जाए, लाइक जैसे ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, तो आपने क्या करना है, इनके पहले ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं। ट्रुथ टेबल्स बनाने के लिए आपने इसकी बिट्स को पहले समझना है, ठीक है। अगर पी क्यू दो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं कंपाउंड, अगर यहाँ पे सी आ जाता साथ में या आर आ जाता, तो फिर इसी तरह दो बिट्स का और इजाफा हो जाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो बिट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लेंगे, और फिर ट्रू फॉल्स लेंगे। तो इस तरह से ही कम्बिनेशन चलेंगे, और आप इस तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है उसको जो है वो चेक कर सकते हैं।